हेलो गाइस, वेलकम, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो टेक डिसाइड। तो आज की वीडियो आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है, पूरी देखनी है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए और शेयर भी करनी है। ये मेरे पास में एक मग है, इसमें है पानी, असली का पानी है, फेक वीडियो नहीं है। और मेरे पास में मेरा प्राइमरी डिवाइस है सैमसंग A5250 फोन स्टार्ट है। मैंने फोन को पानी में डाल दिया इस तरह से, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो टॉपिक भी यही है कि अगर आपका फोन पानी में चला जाता है तो आपको क्या नहीं करना है और किन स्टेप को फॉलो करना है जिसके वजह से आपका फोन जो है वो खराब नहीं होगा। अब यहाँ पे ये फोन पानी में गया है लेकिन ये खराब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको अच्छे से पता हो इसमें आपको IP रेटिंग देखने मिलती है। तो आपको एक बिल्कुल क्लियर सजेशन ये है कि अगर आप बहुत हद तक पानी में रहते हो, यानी कि आपका कॉन्टैक्ट पानी में ज्यादा रहता है, आपको लगता है कि आपके हाथ से फोन पानी में गिरता है बार बार, बच्चों के हाथ से, बीवी के हाथ से, तो एक बात आप करो, जब भी आप स्मार्टफोन बाय करो थोड़े पैसे ज्यादा वेस्ट करो। साले तभी माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाए, वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो और एक IP रेटिंग वाला फोन बाय करो। 67 और 68 की आपको उसमें रेटिंग होनी चाहिए, जो कि लगभग आधा एक घंटा 3 से 6 मीटर तक पानी में रह सकते हो। ऐसे में आपका फोन जो है वो पानी से खराब नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि पानी में आपका फोन बार बार गिर जाता है तो डेफिनेटली IP रेटिंग तो आपके फोन में होना ही चाहिए। लेकिन बहुत से लोग जो है वो इतना बजट अफोर्ड नहीं करते, हर एक फोन तो IP रेटिंग के साथ में नहीं आते, हर एक फोन में IP रेटिंग होती भी नहीं है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, अगर आपका फोन पानी में चला जाता है तो क्या कर सकते हैं। सडनली बारिश में आप भीग सकते हो, बरसात के दिन चल रहे तो ऐसे फोन गीला हो सकता है, उसमें पानी जा सकता है। अब देखो कि कॉमन सी आदत हमारे इंडियन की क्या होती है कि अगर फोन पानी में गिर जाता है, भीग जाता है, और फोन अगर पानी में से हम निकालते हैं और फोन अगर चालू हुआ तो बहुत खुशी होती है, भाई कि हाँ फोन तो गीला हुआ है, लेकिन हमारे फोन को कुछ नहीं होता है। और कुछ बंदे होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, फोन को सच में कुछ नहीं होता है पानी में से निकालने के बाद भी, लेकिन हर एक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। और कुछ बंदों का जो फोन है कुछ समय के बाद में बहुत सारे इशू क्रिएट करता है, फोन चार्जिंग नहीं होगा, फोन बहुत ज्यादा हीट होता है, डिस्प्ले काम नहीं करता, टच वर्क नहीं करता, किसी की तरह फोन तो जो है वो पूरी तरह से डेड हो जाता है। ये बहुत बड़ा इशू है और आपका पैसा वेस्ट हो सकता है भाई, बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखना। हाँ, बात सिर्फ मोबाइल की नहीं, इसमें जो डाटा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो अगर फोन डेड हो जाता है तो ऐसे में आपका डाटा भी बैकअप नहीं होगा और आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो फोन अगर पानी में जाता है तो कुछ गलतियां लोग करते हैं जो कि आपको नहीं करनी है और कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी है जिससे आपका फोन सुरक्षित रहेगा, ओके। तो सबसे पहले गलती, जब भी आपका फोन पानी में जाएगा आप उसको निकालोगे और फोन अगर चालू हुआ तो देख के खुशी तो होगी आपको, लेकिन उसको यूज नहीं करना है, बिल्कुल यूज नहीं करना है, फोन को बिल्कुल स्विच ऑफ करके रखो। कोई बंदे बोलते हुए कि हमारा टच काम नहीं कर रहा है तो फिर कैसे स्विच ऑफ करें, तो बस पावर की को दबा करके रखो जब तक फोन स्विच ऑफ ना हो। कोई भी स्मार्टफोन हो, किसी भी कंपनी का हो, अगर आप पावर की को दबा करके रखोगे लंबे समय तक तो वो अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाएगा, उसको चालू नहीं करना है, ओके। कुछ लोग क्या करते हैं कि फोन को पानी में से निकालने के बाद में और थोड़ा बहुत यूज भी कर देते हैं, चार्जिंग भी लगा देते हैं, तो चार्जिंग बिल्कुल नहीं लगाना है आपको, फोन सबसे पहले बंद करना है और चार्जिंग बिल्कुल नहीं लगाना है, चार्जिंग लगाने की कोशिश नहीं करना है। किसी किसी का फोन जो होता है ना पानी में से निकालने के बाद में अपने आप रिस्टार्ट होता है, बंद चालू होता है या फिर पूरे तरीके से बंद हो जाता है, तो उसको चालू करने की कोशिश करता है और फिर चार्जिंग लगाने की कोशिश भी करता है कि भाई चार्जिंग लगाऊंगा तो फोन चालू हो जाएगा। तो ये जो गलतियां है ना बिल्कुल मत करना भाई साहब, नहीं तो आपका फोन डेड हो जाएगा, ओके। उसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आपकी IC वगैरह पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, ओके। तो आपको सबसे पहले फोन को बंद करना है, चार्जिंग पे नहीं लगाना है। स्टेप नंबर 2, आप एक टॉवल लीजिए या फिर कोई भी कपड़ा लीजिए, उससे आप अपने फोन को अच्छे से इस तरह से सुखा लीजिए, यानी कि उसको पोंछ लीजिए, जहाँ पे भी पानी होगा सरफेस के ऊपर उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इसके बाद में आपको अप्लाई करनी है स्टेप नंबर 3। जब भी आपका फोन पानी में जाता है तो जो यहाँ पे ओपन यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि हेडफोन जैक, टाइप सी का पोर्ट, स्पीकर, माइक, इनमें से ही पानी अंदर जाने की पूरे चांसेस होते हैं, या फिर आपके फोन में जो सिम कार्ड रहे, मेमोरी कार्ड रहे, वहां से ही पानी जाने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि इन फोन में IP रेटिंग नहीं होती, ओके। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ड्रायर लेना है, ओके। बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे भाई ड्रायर बिल्कुल यूज नहीं करते, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है, ओके। ड्रायर आप यूज कर सकते हो लेकिन मीडियम सेटिंग के ऊपर, ओके। और आपको ड्रायर यूज करने का थोड़ा ध्यान से तरीका आना चाहिए, मीडियम सेटिंग पे यूज करें, और जो नीचे बाजू पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेडफोन जैक है, टाइप सी का पोर्ट है, स्पीकर वगैरह, तो फोन को ऐसे उल्टा करके नहीं रखना है आपको, फोन को ऐसे नीचे डाउन साइड रखनी है, ओके। डाउन साइड रखें और आप जो है वो ड्रायर को लगाइए और बस आपको इस तरह से यहाँ पे हल्का हल्का उसको जो है वो ड्राई करना है, ओके। कुछ नहीं होता है, बहुत से लोग बोलते हैं भाई ड्रायर से बैटरी खराब हो जाएगी, फूट जाएगी,
पानी अंदर जाएगा, कुछ नहीं होता भाई, मीडियम सेटिंग पे करो। और आप ड्रायर से इजीली इसका जो चार्जिंग सॉकेट है, स्पीकर वगैरह है या फिर हेडफोन जाके उसमें से पानी जो है वो निकल जाता है, ओके, या फिर उसकी भाप बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो है हवा गर्म होती है। आप इतना एकदम प्रेशर डाल करके उसको ड्राई मत करो, बहुत हाई सेटिंग के ऊपर करोगे तो दिक्कत आ सकती है। बस ऐसे ड्राई करो, निकालो, ड्राई करो, निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास आप ड्रायर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ का बहुत हद तक जो पानी है, मॉइस्चर है, वो निकल जाता है, ओके। स्टेप नंबर 4, आपके फ़ोन में जितने भी ट्रे है, यानी कि सिम कार्ड ट्रे, मेमोरी कार्ड ट्रे, जो भी है, उसको आपको निकाल लेना है। और निकालना कैसे, वैसे निकालना जैसे आपने यहाँ पे ड्रायर से क्लीन किया था। आपको अगर यहाँ पे ऊपर सिम कार्ड ट्रे देखने मिलता है तो इसको आप डाउन कर दीजिए, ओके। और डाउन करने के बाद में आपको इजेक्टर पिन लेनी है और यहाँ पे जो है सिम कार्ड को ऐसे निकाल लेना है, ओके। इस तरह से सिम कार्ड ट्रे निकल जाएगा, यानी कि जो पानी है वो ऐसे नीचे, अगर रहता भी इसमें तो वो नीचे जाएगा। अगर आप ऐसे निकालोगे तो पानी अंदर जा सकता है, आपको थोड़ा भी पानी अंदर नहीं जाने देना है, ये आपको श्योर करना है। तो आप ऐसे ट्रे निकालो, अगर इधर ट्रे होगा तो आप ऐसे करके निकालो, और नीचे होगा तो आप नीचे ही रहें दो उसको, यानी कि आप ऐसे ट्रे निकाल सकते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको देखना है कि क्या ट्रे के ऊपर कुछ पानी वगैरह तो नहीं है, अगर होगा तो उसको भी आप जो है वो टॉवल से अच्छी तरीके से जो है वो क्लीन कर सकते हो, उसको भी आप ड्राई कर लेना। इसके बाद में आपको स्टेप नंबर 5 करना है। अब बहुत से लोग चावल का यूज़ करते हैं, ओके। चावल का यूज़ कैसे करते हैं कि भाई ये चावल है ना, ये इसमें आप फोन रख सकते हो, जो कि एक ठीक तरीका है, लेकिन अभी ये ओल्ड हो चुका है और यहाँ पे ये इतना ज़्यादा कारगर नहीं है, ओके। लेकिन आप फिर भी चावल के अंदर रख सकते हो, ओके। लेकिन इसके जगह अगर आप सिलिका जेल यूज़ करोगे, जैसे कि यहाँ पे एक मुझे सैशे मिला है, ये देखिए सिलिका जेल इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो आप अगर शूज़ खरीदते हो, कोई और प्रोडक्ट खरीदते हो, तो उसके साथ में ये जेल की पाउच आते हैं, यानी कि सिलिका जेल इसको बोलते हैं, और बहुत से लोग इसको फेंक देते हैं, और इसके ऊपर लिखा भी होता है कि थ्रू अवे डू नॉट ईट, इसको मत खाओ, और से लोग इसको जहर समझते हैं, लेकिन जहर नहीं होता है, ओके। तो अभी आगे से इस पुड़िया को फेंकना नहीं, इसको आप संभाल करके रखो। और अगर आपके पास में नहीं है ये पुड़िया, आपने फेंक दी है, तो आप अमेजोन से इसको मंगा सकते हो, आपको मैं लिंक दे दूंगा। 150 से 500 रुपये के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे ये सिलिका जेल मिल जाएंगे। 5 ग्राम और 10 ग्राम के पाउच आते हैं, 10-20 पाउच आपको जो खरीदना खरीद सकते हो, आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से खरीद सकते हो। तो आप चावल के जगह पे इसको यूज़ कर सकते हो, ओके। आपको इसमें चावल भी है, इसको आप इग्नोर करना, ओके। और यहाँ पे एक ऐसा आपको एक ऐसा डब्बा लेना है कि बिल्कुल एयर टाइट होगा, ओके। लेकिन मेरे पास में इतना एयर टाइट डब्बा नहीं है, आप एयर टाइट डब्बा ले लेना, ओके। इसके बाद में आपको जो सिलिका जेल है ना, उसको यहाँ पे 10 पाउच लेना है, इतना महंगा मिलता नहीं है, 150 रुपये में आपको 10 पाउच मिल जाते हैं, 150-200 के अंदर आप रख सकते हो। उसको आपको थोड़ा बहुत टियर डाउन करना है, ऐसे थोड़ा सा ऐसा फाड़ना है बस उतना ही, और आपको यहाँ पे इसमें 10 पाउच ऐसे रख देना है, जल्दी न भी निकल जाए इसलिए, ओके, अगर पानी बहुत ज़्यादा होगा तो, ओके, नहीं तो आप 4-5 भी रख सकते हो। और उसके बाद में आपको ये फ़ोन जो है उसमें रख देना है, ओके। और फिर आपको इस तरह से इसको पैक कर देना है, और आप इसको लगभग 12 घंटे तो रख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा पानी होगा तो आप 24 घंटे भी रख सकते हो। उसके बाद में आप इसको निकाल देना, ओके, आप इसको निकाल लेना, उसके बाद में आप फ़ोन को चालू करो, चार्ज करो, आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा, चालू भी हो जाएगा, कोई भी मॉइस्चर या फिर पानी उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि सिलिका जेल चावल से बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा नमी और मॉइस्चर खींच लेती है। चावल भी अच्छा है, चावल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन चावल से अच्छा सिलिका जेल है, ओके। और हाँ, चावल यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि चावल के अंदर ऐसे वो बारीक चूरा नहीं होना चाहिए, अगर उसमें वो होगा तो उसके जो चूरा वगैरह होता है ना, वो आपके चार्जिंग सॉकेट में, हेडफोन जैक वगैरह में, स्पीकर वगैरह में, या फिर कहीं पर भी आपको ये दिक्कत दे सकता है उसमें अगर जाता है तो, ओके। और चावल में डालोगे तो ध्यान में रखना है कि जो आपने ट्रे निकाला था उसको फिर से लगा देना है, ओके, क्योंकि चावल जो है वो अंदर जा सकते हैं। सिलिका जेल के ऐसे गोल गोल, जैसे आप देख सकते हो, इससे दाने होते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ अभी, कुछ ऐसे ऐसे इसके जो गोल गोल जो है वो दाने होते हैं, तो ये एक हार्ड क्रिस्टल जैसे होते हैं, आप देख सकते हो, इसमें कुछ अलग तरीके से भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ हार्ड तरीके से रहते हैं, तो इसका भी यूज़ कर सकते हो, ओके। या फिर आप चावल और सिलिका जेल का भी यूज़ कर सकते हो, चावल भी ऐड करो और सिलिका जेल के 2-4 पाउच डाल दो, 10 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, और फिर फ़ोन को रख दो, टाइट कर दो, और फिर उसके बाद में आप फ़ोन निकाल सकते हो। लेकिन उसके बाद में चावल को कंज्यूम मत करना अगर आप सिलिका जेल उसमें ऐड करते हो तो, ओके। ये जो मैंने आपको 4 से 5 स्टेप बताई, ये बिल्कुल कारगर है और आपके फ़ोन के अंदर से नमी और मॉइस्चर निकालने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, चाहे कोई भी स्मार्टफोन हो। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा पानी जा चुका है, बहुत अंदर तक डीप में पानी जा चुका है, यानी कि 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा फ़ोन पानी में रह चुका है, तो ये जो स्टेप है वो काम नहीं करेगी बिल्कुल भी। मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा, जो सही वही बता रहा हूँ, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि क्या नहीं करना, यानी कि अगर बहुत देर तक पानी में फ़ोन है, आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट, और उसके बाद में अगर मान लो किस्मत से आपका फ़ोन स्टार्ट है, आपका फ़ोन स्टार्ट,
तो आपको उसको जल्दी से बंद करना है, स्विच ऑफ करना है, जितने जल्दी हो सकते है उसको स्विच ऑफ करना है, चार्जिंग बिल्कुल नहीं लगाना है, ओके। और अगर मान लो कि आपका फ़ोन बंद ही है, पानी में गया 15-20 मिनट रहा और अपने आप बंद हो गया, तो उसको चालू करने की कोशिश नहीं करना है, बंद ही रहने दो, चार्जिंग में भी नहीं लगाना है, ओके। उसके बाद में उसको उठाना है, पकड़ना है और जल्दी से जाना है आपको किसी भी पास के मोबाइल शॉप वाली तरफ जो कि रिपेयरिंग करता है, उसको बोलना है पानी गया है और वो उसको खोलेगा, क्योंकि आजकल के फ़ोन खुलते नहीं जल्दी से, उसमें नॉन रिमूवेबल बैटरी होती है, बैटरी निकलती नहीं, आप घर पे कुछ नहीं कर सकते, उसको बताओ वो 200-300 रुपये लेगा और उसमें से पानी निकाल देगा, उसको क्लीन कर देगा, थिनर होता है उसके पास में, बहुत सारी चीज़ें होती है, उससे आपके इंटरनल पार्ट्स को क्लीन कर देगा, ओके। तो आपके फ़ोन में जो डैमेज होना है वो नहीं होगा। तो आगे चल के अगर आपका फ़ोन पानी में जाता है इन फ्यूचर, जाएगा ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गलती से चला गया आपके बच्चों के हाथ से, बीवी के हाथ से, मामा के हाथ से, चाचा के हाथ से, किसी की बात से, तो वैसे में आपको पैनिक नहीं होना है। अगर कम पानी गया हो और जल्दी आपने निकाल लिया हो, तो आप जो गलतियाँ मैंने आपको बताई वो नहीं करना है और स्टेप को फॉलो करना है, आपका फ़ोन सही रहेगा। और ज़्यादा पानी आता है तो मैंने आपको बताया कि उसको बस आप रिपेयर वाली तरफ ही लेकर के जाओ, ताकि आपके 200-300 रुपये जाएंगे, लेकिन आपको जो बड़ा डैमेज होने वाला है ना वो बच जाएगा और आपका फ़ोन डेड नहीं होगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो इसको सही तरीके से हैंडल कर पाए और अपने फ़ोन को बचा पाए, ताकि उसके पैसे वेस्ट ना हो, ओके।